दोस्तों, जिस घर में गुरुजनों का सत्कार होता है, दूसरों का सम्मान होता है और परिवारजन प्यार से रहते हैं, लक्ष्मी वहीं निवास करती है। जी हां दोस्तों, आज की हमारी कहानी, जहां आदर सत्कार हो वहीं विराजती है लक्ष्मी, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय को गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी की असुरों पर बड़ी कृपा थी, वे उनके वहां निवास करती थी। अब एक बार देवी लक्ष्मी स्वर्ग में रहने के लिए आई, तब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र ने देवी लक्ष्मी से पूछा, भगवती, आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि आप असुरों को छोड़ स्वर्ग लोक में रहने के लिए आ गई हैं? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, जिस घर में गुरुजनों का सत्कार होता हो, दूसरों के साथ सभ्यता पूर्वक बात की जाती है और परिवारजन परस्पर प्रीति से रहते हैं, मैं वहां निवास करती हूं। असुर इसी प्रकार रहते थे, लेकिन अब इन गुणों को असुरों ने छोड़ दिया है, अतः मैंने भी उन्हें छोड़ दिया है। कहते हैं कि एक बार एक सेठ से देवी लक्ष्मी ने स्वप्न में कहा, सेठ, अब तुम्हारे पुण्य समाप्त हो गए हैं, इसीलिए मैं थोड़े दिन बाद तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसीलिए जाने से पहले वरदान देना चाहती हूं। जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। सेठ ने कहा, कल सवेरे अपने कुटुंब के लोगों से सलाह करके जो मांगना होगा मांग लूंगा। अब सुबह हुई, सेठ ने सभी से पूछा, किसी ने हीरा मोती मांगने को कहा, किसी ने स्वर्ण राशि मांगने की सलाह दी, कोई अन्न मांगने के पक्ष में था और कोई वाहन या भवन। सबसे अंत में सेठ की छोटी बहू बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी जी को जाना ही है तो ये वस्तुएं मिलने पर भी टिकेंगी कैसे? आप इन्हें मांगेंगे भी तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। आप तो मांगिए कि कुटुंब में प्रेम बना रहे, कुटुंब में सब लोगों में परस्पर प्रीति रहे, तो विपत्ति के दिन भी सरलता से कट जाएंगे। सेठ को छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई। दूसरी रात्रि फिर स्वप्न में देवी लक्ष्मी के दर्शन हुए। सेठ ने प्रार्थना की, हे देवी, आप जाना ही चाहती हैं तो प्रसन्नता से जाएं, किंतु यह वरदान दें कि हमारे कुटुंबियों में परस्पर प्रेम रहे। देवी लक्ष्मी बोली, सेठ, ऐसा वरदान तुमने मांगा कि मुझे बांध ही लिया। जिस परिवार में सदस्यों में परस्पर प्रीति है, वहां से मैं कैसे जा सकती हूँ? तो दोस्तों, इस प्यारी सी छोटी सी कहानी में इतना ही। अगर इस कहानी से आप सभी को शिक्षा मिली तो प्लीज कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।